देखिए इस वक्त जो है हम लोग संसद मार्ग में मौजूद हैं और देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ का नज़ारा देखने को मिल सकता है। पीछे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाई जी भी जो उधर मौजूद हैं, जानकारी लोगों से लेते हैं कि दरअसल क्यों आए हैं, क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम भैया? हमारा राज कमल। राज कमल जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम बलिया जिला के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश। जी जी, बलिया के रहने वाले हैं और मनियर गाँव के रहने वाले हैं। अच्छा। और वहाँ से हम लोग यहाँ पे जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन और अपनी मांगों को लेके यहाँ दिल्ली में आए हुए हैं ताकि हमारी मांगे पूरी हो। क्या मांगे हैं? हमारी सरकार से यही मांगे हैं, हमारे सारे जो ऑल इंडिया फेयर प्राइस के जितने भी डीलर हैं उन लोगों की यही मांग है कि वन नेशन वन कमीशन, माने एक राष्ट्र और एक कमीशन, सबका एक कमीशन मिले। इसलिए हम लोग यहाँ मांग के लिए आए हैं क्योंकि दिल्ली में यहीं पे 2 रुपया किलो प्रति किलो मिलता है कमीशन, और वहीं उत्तर प्रदेश में मात्र 70 पैसे मिलता है, और महाराष्ट्र में वही अलग मिलता है, बिहार में अलग मिलता है। तो हम लोगों का जीविका उपार्जन करने के लिए, हम लोगों को बच्चों को भविष्य बढ़ाने के लिए, पढ़ाने लिखाने के लिए ये 70 पैसा में हम लोगों का गुजारा नहीं होने वाला है। इसलिए वन नेशन और वन कमीशन हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, और हम लोग जो रात दिन लग के और पूरे प्रदेश में सुचारू रूप से राशन बांटने का काम किए, फिर भी हम लोगों को इतना पड़ जाता है महीने का। अरे भैया, 70 पैसा मिलने से बताइए कितना बचेगा, उसमें भाड़ा है, कमीशन है, माने तरह तरह की समस्याएं हैं। हम लोगों को 3-4 हजार रुपया भी बचाना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, हाँ, तो फिर क्या होता है, फिर कैसे खर्चा चलता है? अब उसमें क्या करेंगे, सरकार से हम लोग 2 साल से मांग कर रहे हैं कि वन नेशन वन कमीशन। हाँ। हम लोगों का कमीशन कम से कम 440 रुपया प्रति क्विंटल कर दिया जाए ताकि हम लोग का भी भविष्य संवर जाए। तो उत्तर प्रदेश से कह रहे तो डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन हम लोग मोदी जी से और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से यही मांग कर रहे हैं कि हम लोगों के बारे में सोचे, पूरे प्रदेश के डीलर जो हैं राशन विक्रेता उन लोगों के बारे में सोचे, पूरे देश के राशन डीलरों के प्रति सोचे। आज तक उनको एक कर्मचारी के रूप में भी सरकार नहीं मानती है, जबकि उन्हीं का एक अंग है जो सुचारू रूप से हर घर राशन पहुंचाते हैं सब डीलर लोग। इसलिए हम सरकार से यही मांग करेंगे। तो कितने सालों से मांग कर रहे हैं? मांग तो कई सालों से चल रही है, लेकिन 2 साल से ये जोर शोर से चल रही है ताकि 70 पैसे में हम लोगों का गुजारा नहीं होने वाला है और हम लोगों का उत्पीड़न होता है अधिकारियों द्वारा। सरकार बात सुनेगी कि नहीं? सरकार को तो जब हमारी जो ऑल इंडिया फेयर प्राइस के जो भी है क्लब वाइस प्रेसिडेंट हैं, चाहे जो भी संगठन है, अगर अपनी एकता बना के अगर सरकार से मांग कर रही हैं तो एक दिन मजबूर होकर सरकार को मानना ही पड़ेगा। कह रहे तो अच्छे दिन आएंगे। वो अच्छे दिन तो मानिए मोदी जी का कहना ये बढ़िया पॉजिटिव चीज है, लेकिन सबका अच्छा दिन आ जाए उसको हम तब जाके मानेंगे। तो आपके अच्छे दिन नहीं आए? अभी हमारे अच्छे दिन कहाँ है, 70 पैसा जब हमको कमीशन मिलता है तो उससे हमारा गुजारा भत्ता कहाँ चलने वाला है, ये बताइए कहाँ से चलेगा, हमारा परिवार बच्चा कहाँ से चलेगा। महंगाई लगता है कुछ? नहीं, महंगाई तो इस सरकार में बहुत है, लेकिन सरकार बहुत से चीज़ों पर बहुत बढ़िया काम भी कर रही है। अच्छा। इसलिए सरकार को चारों क्षेत्र में ध्यान देना होगा। कुछ कहेंगे आप भी? आज तेलुगु वाला है, हिंदी नहीं आता, तेलुगु में आता। तेलुगु? हाँ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? राजस्थान के। राजस्थान के रहने वाले? हाँ जी, एक सर हम राजस्थान से आए हैं। डिजिटल हो के वो काम करने का लो आदमी को पैसे नहीं मिल रहे, डिजिटल हो गया ना वो, डिजिटल 10 आदमी का काम एक मशीन करता है। हाँ। वो मशीन करने के बाद आदमी को काम नहीं मिल रहा है। हाँ। उसके वास्ते वो मोदी सरकार वो डिजिटल का बराबर नहीं आए। अच्छा। हो तो सरकार के खिलाफ है आप भी? हाँ, खिलाफ हम नहीं, खिलाफ नहीं। हाँ। खिलाफ नहीं, हमारे मोदी जी से नाराज है? मोदी से नाराज नहीं, मोदी कर रहे, मगर ये बीच में रहता ना वो मिनिस्टर मिनिस्टर, वो हमारे तकलीफ पहुंचते। ये हम ये जंतर मंतर को आने को 200 हजार किलोमीटर से आया है, एक आदमी से कम 20 हजार खर्चा आता है हम आने को। आप कहाँ से आए? कर्नाटक से आ रहे। कर्नाटक से आए? हाँ, 20 हजार किलोमीटर होता, 2 हजार किलोमीटर होता, वहाँ से आए। अब एक हफ्ता जाता हमारे को जाके पहुंचने के लिए। एक हफ्ता लगता है आने में? नहीं, 3 दिन आने को, 3 दिन जाने, 2 दिन रहने को। एक हफ्ता निकल गया? निकल गया। हमारे कमीशन नहीं दे, और कमीशन आता है खाली एक क्विंटल को 100 रुपया, वो बांटने के लिए
वो रेशन दुकान बांटने के लिए कम से कम एक दुकान को 10,000 से 12,000 तक खर्चा आता, हमारे कमीशन आता है 10,000। हम पहले से कम काम कर रहे हैं, सब डीलर है, सब डीलर राशन डीलर है। और अभी क्या है, 65 साल को वाले को निकालते बोल रहे, 65 साल हम बोल पूछते निकालो निकालो, मगर हमारे बच्चे हैं ना, हम किसको नाम ही नहीं करते उसको ले।